बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन 266 आज लाया आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत, अर्तुगल शरबत। बनाना बहुत ही आसान और बने बहुत ही मज़ेदार। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 350 ग्राम आलू बखारे प्लम, 250 ग्राम हमने लिए हैं चेरी, 250 ग्राम के करीब हमने लिए हैं अंगूर, सीड्स वाले भी ले सकते हैं, सीडलेस भी ले सकते हैं, एक दालचीनी है और 3-4 लौंग के पीसेस हैं, एक लेमन लिया है और करीब 200 से 250 ग्राम हमारे पास शक्कर है। पानी हम लेंगे 2 से 3 लीटर तक। चलें अब देखते हैं अर्तुगल शरबत बनता किस तरीके से है। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीले ली हमने, फ्लेम ऑन किया, उसमें ग्रेप्स ऐड कर देंगे, चेरी ऐड करेंगे, और प्लम्स भी ऐड कर दें। पानी मिला दें इसमें, लौंग और दालचीनी ऐड की हमने, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें और इसको करीब 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दें। भाई जनाब, इसको करीब 10 से 12 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि आलू बुखारे के छिलके उतर चुके हैं और इसका कलर भी आना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसको पकते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। और शक्कर ऐड करके इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। लेमन के 2-3 पीस हम काट के उसमें से बीज निकाल लें इस तरह, और वो पीसेस लेमन के हम ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हमारा जूस कंसंट्रेटर तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये लें जनाब, बस इतनी सी बात और आपका अर्तुगल शरबत तैयार। इसको फाइनल टचेस देंगे, इसको छान लें अच्छे तरीके से, बड़े बड़े पीसेस को निकाल लें। इसमें आपका कंसंट्रेटर निकल आएगा और जो गूदा है आपका वो बच जाएगा। ये देखें इस तरह से। इसको इसमें और भी जूस है तो आप इसको मैश कर लें, निचोड़ लें इसको अच्छे तरीके से। ये लें जनाब, इसको दोबारा हम छानेंगे। इसको जो आपका कंसंट्रेटर है ये इसमें पल्प होंगे तो आप वो पल्प निकालने के लिए इसको मज़ीद एक दफ़ा छान लें। अगर आप पल्प के साथ भी पीना चाहते हैं तो वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये रहें जी, इसको बॉटल में डाल के और इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आपका अर्तुगरुल शरबत तैयार हो चुका है और अब हम आपको पी के दिखाएंगे। हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल किचन 266 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस रेसिपी को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि वो भी अर्तुगरुल शरबत इंजॉय कर सकें। ये रहें जी, कंसंट्रेटर आ गया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत लुक और बहुत ही लजीज जायका, आप यकीनन एंजॉय करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, वाह जी वाह, जबरदस्त। ज़रूर ट्राई करें और इंजॉय करें ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत, अर्थवल शरबत। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।